हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज की रेसिपी में बनाने वाले हैं ईद स्पेशल सेवई। तो ये है नवाबी सेवई। तो चलिए गाइस, इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन का जो बटन है उसे भी प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती है। यहाँ पे हमने नवाबी सेवई बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं। तो यहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, तो अपने टेस्ट वाइज लिया हुआ है मैंने पिस्ता, बादाम और छुहारे और मखाने, इनको बारीक टुकड़ों में काट लेके रख लिए हमने। और अब यहाँ पे और लेंगे हम सेवइयाँ, तो बारीक बिल्कुल जो फाइन आती है सेवई बारीक वाली, उसको ही लेना है इस डिश को बनाने के लिए। और फिर जो हमने क्रीम बनाना है उसके लिए हमने 3 से 4 चम्मच हमने ले रखे हैं होममेड घी, देसी घी चाहिए। 3 टेबल स्पून हमने ले रखा है मिल्क पाउडर और 3 टेबल स्पून ही हमने ले रखा है कस्टर्ड पाउडर और 3 टेबल स्पून ही हमने शुगर डालना। तो शुगर यहाँ पे हमने बहुत कम रखा है क्योंकि हमें लाइट मीठा चाहिए, तो यहाँ पे आपने टेस्ट वाइज शुगर ज़्यादा ले सकते हैं। और यहाँ पे हमने ले रखा है 500 ml का फुल क्रीम मिल्क। गाइस, यहाँ पे अभी हमने गैस फ्लेम ऑन करी है और फटाफट इस पर एक पैन रख दिया और अभी ये मिल्क का जो पैकेट है इसको इसमें डाल देते हैं। गाइस ये देखिए, अभी ये मिल्क जो हमने रखा हुआ है ये बॉयल होने लग गया है और अब इसमें हमने सारी चीज़ें ऐड करनी है, अपने सारे इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं, यहाँ पे हमने 3 से 4 छोटी इलायची ले रखी, इनको क्रश किया हुआ है, तो इसको डाल देंगे और गैस का फ्लेम जो है लो रखेंगे। और साथ ही हमने यहाँ पर 2 पिंच ले रखे हैं, 2 पिंच ऑफ सेफ्रॉन, तो इसको भी डाल देंगे सेफ्रॉन। एंड अभी इसको हमने मिलाना इसको शुरू कर देना है, इसको धीरे धीरे इसको चलाएँगे। गाइस, यहाँ पे हमने 1/3 कप पानी ऐड करके इस जो कस्टर्ड पाउडर था इसको लिक्विड फॉर्म में कर लिया है। सो अब इसको हमने इसमें डाल देना है। एंड नेक्स्ट हमारा ये है इंग्रेडिएंट्स मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे हमने जो ये मिल्क पाउडर लिया है इसको ऐसे ही इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। यहाँ पे आप अपने टेस्ट वाइज, अगर सेवई को मीठी रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शुगर बढ़ा सकते हैं उसकी क्वांटिटी। अब इसको बढ़िया सा हमने क्रीम बनाना है, बस इसको बराबर चलाते रहना है। गाइस, इसको 3 से 4 मिनट तक हमने इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पकाते रहना है, तो अच्छी सी इसकी जो कंसिस्टेंसी है जमने वाली हो जाएगी, तब तक इसको हमने इसी तरह से चलाते रहना है। तो गाइस, अब इसमें हम डालेंगे अपना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है जो कि ये है कॉर्न स्टार्च। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून ले रखा है और इसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें इसको डालने से बहुत ही बढ़िया क्रीम का टेक्सचर आता है, तो इसकी जमने की जो कंसिस्टेंसी होती है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है और ये बहुत ही अच्छी बढ़िया सी क्रीम तैयार होगी। तो गाइस, वीडियो को हमारे पूरा फॉलो कीजिए तो बढ़िया सा आपको जो रेसिपी है उसको बनाने का बिल्कुल से बढ़िया परफेक्ट तरीका पता चल जाएगा। गाइस, ये भाई क्रीम जो है रेडी हो गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, गैस की फ्लेम ऑफ कर दिया हमने और अब इसको रखते हैं एक साइड। अब दूसरे प्रोसेस में चलते हैं सेवई बनाने के। तो गाइस, अभी हम सेवई बनाने के सेकेंड प्रोसेस में आ गए हैं। तो अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये जो हमारे पास घी है इसको डाल देंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। और यहाँ पे जो हमने सेवई ले रखी थी इसको हमने बिल्कुल बारीक टुकड़ों में कर लिए, बिल्कुल क्रश कर दिया है, बिल्कुल छोटे छोटे हमें टुकड़े चाहिए इसके। बस अब इसको हमने इसमें डाल देना है और अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे, इसको अच्छी तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। गाइस, ये सेवइयाँ ऑलरेडी रोस्टेड रहती हैं बट इसको थोड़ा सा घी में रोस्ट करने से बहुत ही बढ़िया सा इसका टेस्ट आ जाता है और अच्छा सा कलर भी और अच्छा सा आ जाता है इसका। गैस की फ्लेम को एकदम ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे और इसको रखते हैं एक साइड। और अब चलते हैं थर्ड प्रोसेस में सेवई बनाने के। गाइस, अब हमने यहाँ पे रख दिया एक पैन क्योंकि अब हमको ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। अब यहाँ पे हम डालते हैं थोड़ा सा घी और अब हमें यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है।
गैस की फ्लेम को थोड़ा लो कर लेंगे। अब इसमें डाल देते हैं छुआरे, अब जो भी ड्राई फ्रूट्स आपने डालने इसको डाल इसमें पैन में रोस्ट कर लेंगे। थोड़े से इसको बचा लेते ऊपर से गार्निश करने के लिए। तो इसको गैस की फ्लेम को अब मीडियम लो करेंगे एंड इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। गाइज इससे पहले भी हमने सिवई की जो अपनी रेसिपीज डाल रखी है अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, ईद के मौके पे हमने बनाया था कि मामी ड्राई सिवई, तो उससे पहले भी एक सिवई का हमने वीडियो डाला हुआ है। सो गाइज अब हमने ये बनाई है नवाबी सिवई, तो इस सिवई को भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्टी लग रही है। तो ये हमने बकरीद के मौके पर इसको बनाने की कोशिश की है। गाइज अब ये हमारा जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और अब चलते हैं सेवई बनाने के फाइनल स्टेप पे और अपनी सेवई को फाइनल टच देते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमने एक सर्विंग डिश ले रखी है, इसमें ही हम अपनी सेवई को सेट करेंगे और इससे ही हम इसको सर्व करेंगे इसमें ही। तो गाइज यहाँ पे जो हमने सेवई तैयार की है रोस्ट किया हुआ है, इसको हमने इसकी एक लेयर लगा देनी है पहले। बहुत ही इजी है, आसान है। तो गाइस इसको एक स्पैचुला से अच्छे से सेट करेंगे। अब इसमें हमने क्या करना है, जो क्रीम तैयार की है ना उसको इसके ऊपर लेयर लगा देंगे। अब इसको हमने इसमें पोर कर देना है। गाइस जो अभी हमने ये ड्राई फ्रूट्स तैयार किए हैं इसकी लेयर लगानी है, अब हमने पहले सेवई की फिर क्रीम की उसके बाद ड्राई फ्रूट्स की हमने लेयर लगा देनी है। सो गाइस रिपीट अगेन, सेवई लेयर्स फिर से लगा देंगे इसके ऊपर, एक लेयर लगेगी फिर से हल्की सी। गाइस अब इसके ऊपर हमने फिर से अपनी ये क्रीम की लेयर लगा देनी है। गाइज अभी थोड़ी सी हमने सिवई जो बचा के रखी है इसको हमने बस किनारे किनारे पे ऐसे डाल देना है। तो यहाँ पे अभी हमने कुछ पिस्ताशू जो थे हमारे ये इसको हमने बचा के रखे हुए थे, तो अब ये जो हमारे पास पिस्ता है इसको डाल देंगे अच्छी तरह से, पूरा कवर कर देंगे बीच का जो सेंटर का ये एरिया है यहाँ पे। फाइनली ये देखिए हमारी सिवई जो है नवाबी सिवई रेडी हो गई है। तो अब इसको रखते हैं सेट होने के लिए, तो अब इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, उसके बाद इसे सर्व कर सकते हैं। तो गाइज अभी ये हमारी जो सिवई है ये सेट हो चुकी है, चलिए अब इसको सर्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये सेट हुई है। गाइज ये देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी सिवई जो है बढ़िया सी सेट होके बाहर आई है। गाइज आई होप कि ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो इस बकरीद पे जरूर इनको बनाइएगा, खाइए और खिलाइए, सबको एंजॉय कीजिए। ओके थैंक यू।